आज हम चैप्टर नंबर 4 में से सेल और उसकी ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चूंकि दुनिया में सेल दो टाइप्स के मौजूद हैं, यूकेरियोटिक सेल भी हैं और प्रोकेरियोटिक सेल भी हैं, जिन सेल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, वो असल में यूकेरियोटिक सेल है। हमारा जो टॉपिक है असल में वो यूं समझें कि यूकेरियोटिक सेल इन डिटेल है, यानी यूकेरियोटिक सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किस चीज़ से वो बना हुआ होता है, ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, ये हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल, थ्री मेजर एंड नेसेसरी कंपोनेंट्स, यूकेरियोटिक सेल के तीन मेजर और जो हैं के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ये दो बार मैंने साइटोप्लाज्म लिख दिया है। सो द थर्ड पार्ट इज व्हाट? न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस की वजह से जो यूकेरियोटिक सेल है वो प्रोकेरियोटिक सेल से अलग होता है या डिफरेंट होता है। उसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि सेल वॉल सब सेल में मौजूद नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब सेल में मौजूद होगी, कोई भी दुनिया में ऐसा सेल नहीं है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। ऑल ऑफ द सेल्स पजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों? स्क्रीन तो शेयर्ड है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो समटाइम्स आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ सेल। सेल का मैंडेटरी पार्ट कौन सा है? सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। कभी भी आपको दुनिया में सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर नजर नहीं आएगा। सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म। दूसरी जो चीज है वो है साइटोप्लाज्म। तो ये भी याद रखना है कि साइटोप्लाज्म भी सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बगैर भी ओके जी। सो साइटोप्लाज्म इज मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। कोई भी सेल साइटोप्लाज्म के बगैर आपको नहीं मिलेगा। मीन्स देयर इज नो एनी सेल इन दिस वर्ल्ड विच डू नॉट पजेस द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, आपको न्यूक्लियस के बगैर सेल मिल सकता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। सो न्यूक्लियस जो है ये ऑप्शनल पार्ट हो सकता है कि कुछ सेल में ना भी हो और कुछ सेल में होता भी है। यूं सेल वाल भी सब सेल में नहीं होता, कुछ सेल्स में सेल वाल होगा और कुछ में नहीं भी होगा। तो जिन सेल में सेल वाल होता है वो कौन से सेल्स हैं? उनमें हमारे पास है प्लांट का सेल, उसमें सेल वाल होती है, फंजाई का सेल, उसमें सेल वाल होती है, अल्जी का सेल, उसमें सेल वाल होती है, और कुछ अदर प्रोटोक्टिस्ट जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कुछ और ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं कि जिनमें सेल वाल होती है। बाकी किंगडम एनिमेलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म्स जो हैं उनमें सेल वाल नहीं होता। बाकी किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया, इन चारों किंगडम के ऑर्गेनिज्म्स में जो है वो सेल वाल मौजूद होती है। सो समटाइम्स आपसे यूं भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं या वो कौन सा किंगडम है
किंगडम है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, यानी जिसके ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती, तो वो सिर्फ एक किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। बाकी किंगडम प्रोकैरियोटी में भी आपको सेल वॉल मिलेगी, प्रोटोक्टिस्टा में भी सेल वॉल मिलेगी आपको, प्लांटी में भी मिलेगी, और उसके अलावा आपको जो है फंजाय में भी मिलेगी। तो ये एक डायग्रामेटिक स्केच है, आप इसको असल सेल ना समझें, ये कंप्यूटर पर बना हुआ एक सेल है जो कि हमारी आसानी के लिए, समझने के लिए बनाया गया है ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। सो दिस इज द डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ सेल। इसमें आप देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है दो टाइप्स के, एक स्मूथ और दूसरा रफ, और इसमें कुछ पाउचेस या वेजिकल्स होती हैं जिन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। इसमें सेंट्रियोल मौजूद है, इसमें पराग्जीजोम्स मौजूद हैं, साइटोस्केलेटन यानी सेल के अंदर ये कुछ फिलामेंट्स होती हैं जो कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल की मूवमेंट और सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अलावा है हमारे पास गाल्जी अपरेटस और राइबोसोम्स। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूकेरियोटिक सेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल यूकेरियोटिक सेल। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नो सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दुनिया में कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर हो। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल सेपरेटिंग साइटोप्लाज्म फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल, ये हमारे सेल्स की सबसे बाहर लिविंग बाउंड्री है जो कि साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी लेट सपोज ये अगर सेल है तो ये सेल के बाहर एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री का काम ये है कि कुछ चीजों को ये अलो करेगी कि इसके अंदर जाएं, और कुछ चीजों को ये अलो करेगी कि वो बाहर जाएं। सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में नहीं जा सकती, सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकती, तो इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर मूवमेंट होगी ये सिलेक्टेड होती है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो, सिलेक्टिव परमिएबल कहते हो। तो आपसे ये सवाल होगा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के लिहाज से क्या है, तो सबसे पहला जवाब ये है कि ये परमिएबल है। फिर दूसरा सवाल आपसे यूं हो सकता है कि भाई इसकी परमिएबिलिटी की नेचर क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, या फिर सेमी परमिएबल है। इट इज नॉट परमिएबल फॉर ऑल थिंग्स, ये सब चीजों के लिए परमिएबल नहीं है। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन है उनकी भी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी जो बनावट है वो वैसी ही होती है जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह उनकी ये बनी हुई है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं कि ये जो है वो हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल है, और बाकी सारी जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं उन सब की नेचर जो है या उन सब की कंपोजिशन जो है या बुनियादी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन इट, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन इट। आप देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सेगमेंट हमने यहां पर रखा है, अब देखें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है किससे, फास्फोलिपिड से। ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, ये उसके टेल है, यूं फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल और ये टेल है। तो जो उसका हेड यहाँ पर दिखाया गया है वो व्हाइटिश कलर में है, और जो टेल उसके दिखाए गए हैं वो येलो कलर में। तो एक नीचे फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, एक ऊपर फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, दोनों फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के हेड जो है वो बाहर की तरफ और उनके टेल जो है वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और इनके दरमियान इधर उधर स्केटर्ड जो है वो क्या पाई जाती है, ये जो कलरफुल आपको दिखाई दे रही है ब्लू रेड वगैरह के कलर में, दीज आर द प्रोटीन्स। सो फास्फोलिपिड में क्या मौजूद होती है, इधर उधर स्केटर्ड प्रोटीन्स पाई जाती है। अब एक फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसका एक हेड होता है और दो उसके क्या होते हैं, टेल्स होते हैं। तो हमने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था
कि फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक, बिकॉज के वो पोलर है, और उसका जो टेल है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। फास्फोलिपिड का जो टेल है वो फैटी एसिड का बना हुआ है जनरली, और ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। यानी अगर सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच, यानी जिस तरह दीवार का बीच होता है, अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल, वहां पानी नहीं है, तो ये जो टेल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को फेस करके अंदर की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कौन सी चीजें होती हैं, लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। याद रखना है कि जितना भी लिपिड मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जितना भी लिपिड मौजूद है, उस लिपिड में से 50% जो लिपिड है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये याद रखना है, किसमें, एनिमल सेल में। अब ये एक एमसीक्यू की पॉइंट है कि भाई कोलेस्ट्रॉल आपको कौन से सेल्स में मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा, बट इट इज एब्सेंट इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल। तो ये बात जो है वो आपकी एक क्वेश्चन की पॉइंट है कि कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगा किसमें, एनिमल सेल में। कितना मौजूद होता है भाई, टोटल लिपिड का, 50%। उसके अलावा यहां पर थोड़ी मैंने पॉइंट्स लिख दी हैं अलग से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो 60-80%, उसमें जो लिपिड पाए जाते हैं वो 20-40%, और इसमें थोड़े अमाउंट में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर इन स्मॉलर क्वांटिटी, वाइल और मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर थिक है। एक बच्ची यहां पर सवाल पूछ रही है कि सर ये बायलेयर्ड की जो शक्ल है वो इस तरह से क्यों है, तो बेटा इसका जो जवाब है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। क्योंकि टेल जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, तो वो दरमियान में आ जाते हैं, पानी से अंदर की तरफ चले जाते हैं, और हेड जो हैं वो दोनों बाहर की तरफ रहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है, तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, तो हेड टुवर्ड्स द वाटर रहते हैं और टेल जो है वो अवे फ्रॉम द वाटर दरमियान में आ जाते हैं। इस तरह से ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास मॉडल हैं। सो सबसे वेल एक्सेप्टेड जो मॉडल है हमारे पास वो कहलवाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है दो लेयर्स की। कितने लेयर्स की, दो लेयर्स की। तो ये लिपिड बायलेयर इसका कोर है, यानी जो बुनियाद है इसका, मेन मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर है। कौन सी लिपिड, ये पीछे हम डिस्कस करके आए, फास्फोलिपिड। याद रखना है ये जो लिपिड है ये पाई जाती है किस स्टेट में, फ्लूइड स्टेट में। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स में हर वक्त यूं हरकत पाई जाती है, यानी हर वक्त वो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं इस कोलाइडल स्ट्रक्चर में या फॉर्म में मौजूद रहते हैं। कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, यानी ऊपर वाला जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये वाला, ये नीचे आ सकता है और नीचे वाला मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर जा सकता है। ये नीचे आ सकता है और ये ऊपर आ सकता है। याद रखना है ये रोटेशन जो है वो एक लेयर की दूसरे लेयर से भी हो सकती है, और लेटरली, लेटरली का मतलब ये है कि ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है और इसके साथ में ये दूसरा फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाए और ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाए, तो इस तरह से भी मूवमेंट इनकी हो सकती है। तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन पॉइंट कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको किस स्टेट में मिलेगी, वो सॉलिड फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है, तो मेनली आपका जवाब क्या होगा कि वो फ्लूइड फॉर्म में है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या उसमें मौजूद जो फास्फोलिपिड हैं दे आर एबल टू मूव आर रोटेट, तो जवाब होगा हाँ, वो रोटेट भी कर सकते हैं, यानी एक लेयर का फास्फोलिपिड दूसरे लेयर में और दूसरे लेयर का पहले लेयर में आ सकता है, और ये आपस में भी साइड चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप चेयर्स पर अगर बैठे हो तो साइड में एक दूसरे के साथ आप चेयर एक्सचेंज करके, पहली चेयर वाला साइड वाली दूसरी चेयर पर चला गया, दूसरी वाला पहली पर आ गया, इस तरह से भी रोटेशन हो सकती है। लाइन चेंज कर सकते हो,
कि एक आगे वाली लाइन में बैठा हुआ है और एक पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ है, पीछे वाला आगे वाली लाइन में आ जाए और आगे वाला पीछे वाली लाइन में चला जाए, तो इस तरह से भी उनमें रोटेशन हो सकती है। तो जवाबन सिंपली समझना ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रोटेशन होती है। इसके लिए एक वीडियो भी है, वो भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखाऊं। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड कोर। प्रोटीन जो है वो डाली हुई होती है किसमें, प्रोटीन के कोर में। और अब देखें, हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड ऐसे है जैसे लिक्विड, तो उसमें प्रोटीन फिर ऐसे होती है जैसे बड़े बड़े बर्फ के जो है वो टुकड़े पड़े हुए हों, बड़े बड़े जो है वो ब्लॉक्स उसके बर्फ के पड़े हुए हों, वो उसके अंदर रखे हुए हैं। तो इस तरह से वो तैरते नजर आते हैं, जिस तरह से कोई बड़े आइसबर्ग्स जो है वो अपने सी के अंदर तैर रहे हों। और इन प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से यूं होती है कि लेट सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्रोटीन इधर है, एक प्रोटीन इधर है, एक प्रोटीन इधर है, एक प्रोटीन, सो दे आर नॉट इन अ यूनिफॉर्म फॉर्म, और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। उनकी अपीयरेंस जो है वो यूं मोज़ेक होती है, यानी खाने खाने जैसी अपीयरेंस उनकी नजर आती है। तो इसलिए इस अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, मोज़ेक अपीयरेंस। तो आपसे सवाल होगा कि भाई इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं। मोज़ेक क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें प्रोटीन जो है वो स्केटर्ड पड़ी हुई है, फैली हुई पड़ी हुई है, इधर उधर पड़ी हुई है, और इस तरह नजर आती है जिस तरह बड़े बड़े आइस के बर्ग्स जो है वो तैर रहे हों। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा हुआ है। द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मोबाइल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है तो उसमें मौजूद जो कंपोनेंट है वो भी इधर उधर हिल सकते हैं, कैपेबल ऑफ मूविंग, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, टुगेदर टू एंगेज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट और इम्परमानेंट इंटरेक्शन। यानी ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर या जो चीज बका ना रखती हो, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाए। तो इस वजह से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हर वक्त सेम हालत में नहीं दे सकते, नहीं देख सकते। जो फॉस्फोलिपिड पहले इधर था, थोड़ी देर के बाद आपको इधर मिल सकता है। जो प्रोटीन पहले इधर थी, थोड़ी देर के बाद ये प्रोटीन इधर आपको मिल सकती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि हम इन्हें क्या नाम देते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें हर वक्त उसके शेप में उसकी जो अपीयरेंस है उसमें चेंजेस आती रहती है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मोबाइल स्ट्रक्चर है और इसके कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग मूव करते रहते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये प्रोटीन्स दो टाइप्स की हैं। कितने टाइप की प्रोटीन्स हैं बाबा? दो टाइप्स की प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरी प्रोटीन्स को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी होती हैं? जो कि डायरेक्टली एम्बेडेड हैं विद इन द फॉस्फोलिपिड, यानी ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है, इसमें प्रोटीन यूं अंदर दाखिल की हुई हो तो ऐसी प्रोटीन क्या कहलाएगी, इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगी। और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होगी, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, इसके ऊपर कोई प्रोटीन रखी हुई है तो ऐसी टाइप की जो प्रोटीन है वो क्या कहलवाएगी, पेरिफेरल प्रोटीन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रखी हुई हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड रखी हुई हो, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर यूं दाखिल की हुई ना हो, तो ऐसी प्रोटीन को आप क्या कहते हो, पेरिफेरल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, वो बिल्कुल यूं इसमें मर्ज्ड होती है, एम्बेडेड होती है। जिस तरह कील जो है वो दीवार में ठोका हुआ होता है, बिल्कुल अंदर दाखिल किया हुआ होता है, तो वो इंटीग्रल है। एक चीज ऐसी है जो दीवार के ऊपर आपने चिस्पा कर दिया, चार्ट वगैरह आपने लगा दिया है, वो दीवार की अंदर वाली साइड पर लगाया है या बाहर वाली साइड पर लगाया है, उसे आप क्या नाम दोगे, पेरिफेरल का नाम दोगे। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन है उनका काम क्या है, दे प्रोवाइड चैनल। यानी लेट सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन के दरमियान क्या प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से चैनल प्रोवाइड करते हैं, यानी रास्ता प्रोवाइड करते हैं उन चीजों के लिए
जो चीजें वाटर सॉल्युबल हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती तो वो इन प्रोटीन्स को इस्तेमाल करके, जिस तरह दीवार में दरवाजा लगा हुआ है तो हम दरवाजे में से अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल इन प्रोटीन का मिसाल भी ऐसे ही है कि ये जैसे दीवार में दरवाजा लगा हुआ है तो अगर हम दीवार से तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो हम दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, और अगर पानी है तो वो आराम से जो है दीवार में से ऑस्मोसिस के जरिए से आराम आराम से क्रॉस कर सकता है, उसको टाइम लगेगा लेकिन हम जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो हमें दरवाजा चाहिए। लूज एसोसिएशन इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, लूज एसोसिएशन होती है उसके सरफेस के ऊपर। अब जो प्रोटीन होती है, याद रखना है कि ये प्रोटीन अकेली प्रोटीन नहीं होती, या तो ये प्रोटीन लिपिड के साथ लगी हुई होती है, अगर लिपिड के साथ लगी हुई होगी तो फिर इसका नाम क्या होगा, लिपोप्रोटीन होगा, अगर ये कार्बोहाइड्रेट के साथ लगी हुई होगी तो फिर इसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन इसका नाम होता है। लाइक सर हाईली चार्ज मॉलिक्यूल्स, जी बेटा इसकी मूवमेंट में, मूवमेंट आगे टॉपिक है हमारा, उस वो डिस्कस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, एक डायग्रामेटिक व्यू है, अगेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ये बयान कर रहा है। देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर हैं, ये एक ऊपर लेयर और एक नीचे लेयर। ये ऊपर वाले लेयर में ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड है और ये उसके दो टेल हैं। नीचे भी ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड है और ये ऊपर उसका टेल है। तो ये पूरा जो कोर है ये सारा बना हुआ है किसका, फास्फोलिपिड का, जिस तरह ये पीछे भी आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको प्रोटीन से नजर आ रही है, एक प्रोटीन इधर है, एक प्रोटीन इधर है, एक प्रोटीन इधर है, तो ये प्रोटीन स्केटर्ड हैं। तो इसकी स्केटर्ड होने की वजह से अगर हम दूर से इनको देखेंगे तो काफी सारे प्रोटीन ऐसे नजर आएंगे जैसे खाने खाने हैं, ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा फ्लूइड है, उस फ्लूइड में ये बड़े बड़े बर्फ के जो हैं वो टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि इसमें तैर रहे हैं। इस अपीयरेंस की बुनियाद पर इसका नाम हमने क्या रखा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा है। अब देखें ये प्रोटीन ऐसी है जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर मर्ज्ड है, तो ऐसी टाइप की प्रोटीन को हम क्या नाम दे रहे हैं भाई, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों लेयर्स में दाखिल की हुई है, तो इस प्रोटीन को आप क्या कहोगे, इंटीग्रल प्रोटीन कहोगे या इंट्रेंसिक प्रोटीन कहोगे। ये प्रोटीन भी इंटीग्रल और इंट्रेंसिक प्रोटीन है, ये भी देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर दाखिल की हुई है तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये ऐसी है जो बिल्कुल रखी हुई है ऊपर, तो ऐसी टाइप की जो प्रोटीन है वो क्या कहलवाएंगी, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलवाएंगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मूवमेंट को कंट्रोल करती है अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर कौन सी चीज जाए और कौन सी ना जाए, यू सेल के बाहर कौन सी चीज आए और कौन सी ना जाए। तो देखें चार मुख्तलिफ चीजें यहां पर दिखाई गई हैं, ए बी और सी के फॉर्म में। ए में वो चीजें मौजूद हैं जो कि अनचार्ज्ड हैं, ये याद करना है आपको। सो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, वाटर हो गया, अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ऑक्सीजन हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं, यानी इनको किसी भी चैनल वगैरह की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों के जेहन में आ रहा होगा कि सर प्रीवियस चैप्टर में तो हमने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल पर चार्ज होती है, तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है, जो चार्ज उस पर आप पॉजिटिव है उतनी ही चार्ज नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ से आएंगे या सिर्फ हाइड्रोजन की तरफ से आएंगे तो फिर हमें चार्ज नजर आएगी। सो सिंपली आप यूं कह दो कि अनचार्ज्ड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी चैनल और विदाउट एनी एड ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा है लिपिड सॉल्युबल चीजें, ऐसी चीजें जो लिपिड सॉल्युबल हैं उनको भी किसी गेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन वो चीजें जो वाटर सॉल्युबल हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती, जिस तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखें यूं क्रॉस नहीं कर पाया, वो बाहर आ गया। तो इसको क्रॉस करवाने के लिए क्या चाहिए, चैनल चाहिए। तो इसके लिए अगर यहाँ पर प्रोटीन का चैनल बना हुआ होगा तो उस चैनल को इस्तेमाल करके ये जो है अंदर आ सकता है इस चैनल के थ्रू। अगर यहाँ पर ये प्रोटीन का चैनल मौजूद नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है वो अंदर क्रॉस नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह जो आयंस है जिन पर चार्ज है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, प्रोटॉन है, ये ऐसी चीजें जो कि चार्ज हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाते।
तो दो चीजें आपको याद रखनी है, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स और लिपिड सॉल्युबल चीजें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बगैर किसी दरवाजे के या चैनल के आराम से क्रॉस कर जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं या जो चार्ज्ड आयंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाते। तो इन दोनों को क्रॉस करवाने के लिए क्या चाहिए हमें, चैनल्स चाहिए। तो ये चैनल यहां पर दिखाए गए हैं। अब जो मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो दो टाइप की होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि देखें ये मॉलिक्यूल्स इस जगह पर, इस साइड पर ज्यादा हैं और इस साइड पर कम हैं। अगर ये मॉलिक्यूल इस साइड पर ज्यादा हैं और इस साइड पर कम हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली तरफ वो मूव कर रहे हैं, तो ऐसी टाइप की मूवमेंट को आप क्या कहते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो, और सिंपली इस टाइप की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये अपने आप मूव कर रहे हैं, इनको मूव करवाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। सो अगर ये अनचार्ज्ड पार्टिकल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन अगर चार्ज्ड पार्टिकल होगा तो फिर उसको क्या चाहिए, मदद चाहिए। किसकी, किसी चैनल की उसको जरूरत पड़ेगी, और उस चैनल की मदद से जो है ये मूव कर पाएगा, अदरवाइज ये मूव नहीं कर पाएगा। सो इस तरह आपको ये बात यहां पर समझा रही गई है कि डिफ्यूजन जो है वो प्रोटीन के चैनल्स की मदद से भी होती है और बगैर प्रोटीन के चैनल की मदद से भी होती है। तो अगर वो बगैर प्रोटीन के चैनल की मदद से हो रही है, अपने आप हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए डायरेक्ट हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट को आप क्या कहते हो, सिंपल डिफ्यूजन कहते हो। जस्ट उसे आप क्या कहते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन है डिफ्यूजन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खुद नहीं हो सकती, उसको करवाने के लिए क्या चाहिए, चैनल चाहिए या कोई हेल्पर चाहिए। तो ऐसी टाइप की डिफ्यूजन को आप क्या नाम देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मिसाल ये है, अगर आप किसी ऑफिस के अपने बंदे हो तो आप उस ऑफिस में खुद ब खुद चले जाते हो, लेकिन अगर आप उस ऑफिस से बाहर हो तो फिर आपको रेफरेंस यूज करना पड़ता है, कोई बंदा बाहर आता है आपको अंदर लेकर जाता है, यानी उसने आपको अंदर जाने के लिए फैसिलिटेट किया। सो ये है डिफ्यूजन, लेकिन जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल चीजें होती हैं वो अगर डिफ्यूज होंगी तो उनको फैसिलिटेट करवाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी टाइप की मूवमेंट को आप क्या नाम देते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देते हो। एक मूवमेंट ऐसी होती है जिसे आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि इस तरफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं दो और उसी ही चीज के मॉलिक्यूल इस तरफ मौजूद हैं चार, लेकिन फिर भी दो वाली साइड से मॉलिक्यूल जो हैं वो चार वाली साइड की तरफ भेजने हैं तो ये खुद नहीं जाएंगे, इनको भेजने के लिए कोई पंप चाहिए। तो जो मूवमेंट अपोजिट टू द ग्रेडियंट हो, यानी कम रीजन से ज्यादा रीजन की तरफ मूवमेंट करवाई जाए, तो ऐसी मूवमेंट के लिए एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी खर्च करवा कर जो अपोजिट टू द ग्रेडियंट मूवमेंट करवाई जाए, ऐसी टाइप की मूवमेंट को आप क्या कहते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। सो याद रखना है, देखें अब ये मॉलिक्यूल एरो बता रहा है कि ये जो स्क्वायर वाले पार्टिकल हैं वो अंदर आ रहे हैं, तो बाहर थोड़े हैं अंदर ज्यादा हैं, तो इनको अंदर लाने के लिए ये एक पंप है जो कि एनर्जी खर्च कर रहा है। कौन सी एनर्जी, एटीपी की एनर्जी, और एटीपी की एनर्जी को खर्च करके इन मॉलिक्यूल्स को अंदर पंप कर रहा है, जोर से आगे भेज रहा है अंदर की तरफ। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज अपोजिट टू द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट के अपोजिट है, तो इस टाइप की मूवमेंट को आप क्या कहते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के हिसाब से मूवमेंट होती है। जो पार्टिकल्स चार्ज्ड नहीं है या लिपिड सॉल्युबल हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बगैर किसी चैनल के क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको क्रॉस करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, चैनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है या पंप की जरूरत पड़ती है, उनकी मदद से वो क्रॉस करते हैं।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक और मूवमेंट भी होती है, जिस मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी बड़ी चीजें बल्क की सूरत में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की अंदर लेता है तो उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर एक बल्क अमाउंट में जो मूवमेंट है या मटेरियल है वो जाए, या बल्क अमाउंट में मटेरियल बाहर आए तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सोसाइटोसिस कहोगे। ज्यादा पार्टिकल बड़े फॉर्म में अंदर जाएं तो एंडोसाइटोसिस, बाहर आए तो एक्सोसाइटोसिस। अब जो मटेरियल अंदर जाता है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसे कहोगे आप फेगोसाइटोसिस, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो फिर उसे आप क्या कहोगे, पिनोसाइटोसिस। सो फेगोसाइटोसिस की सिंपल मिसाल ऐसी है कि ये ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल है। तो आपसे सवाल होता है बेटा, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज फेगोसाइटोसिस और ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज, ये क्या है, ड्रिंकिंग प्रोसेस। इसको ड्रिंकिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें जो सेल है वो मटेरियल लेता है किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में ले तो उसे आप क्या कहोगे, फेगो। फेगो लफ्ज का मतलब ही टू फेज, मतलब ईटिंग है। तो ये दो और मूवमेंट भी हैं जो कि एक रास्ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या होता है कि आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक बाहर एक बड़ी सी इन्वेजिनेशन बना रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक बाहर बड़ी इस तरह से यूं एक बंच बना रही है, एक मुंह बना रही है सीडोपोडिया जैसा। अब इसमें मटेरियल आ गया तो ये इनको अंदर करके इस तरह से उसमें वेजिकल में इसने बंद कर दिया, तो इसका नाम हमने क्या रखा, एंडोसाइटिक वेजिकल, इसको फेगोसोम भी हम कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये आ रहे हैं तो इस तरह इनको हम क्या कहते हैं भाई, पिनोसाइटोसिस के जरिए से ये वेजिकल्स जो है वो बन रहे हैं। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उस वक्त आती हैं जब उस वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास खास रिसेप्टर हो, यानी जैसे ही वो उस रिसेप्टर से बाइंड होंगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए अंदर होगी और उनको एक वेक्यूल की के जैसे जगह बनाकर देगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टूट के एक वेजिकल बन जाती है जिसमें ये सारा मटेरियल अंदर बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो कैवियोलर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस या क्लेथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हम इसको नाम देते हैं। इसको भले आप छोड़ दें, ये हमारे टॉपिक से बाहर है, बाकी सिर्फ आप इतना कर दें कि एंडोसाइटोसिस मूवमेंट इनसाइड द सेल, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो पिनोसाइटोसिस, सॉलिड फॉर्म में है तो फेगोसाइटोसिस हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल वॉल। सर वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी बेटा, हम वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट जब गाल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ते वक्त हमारी वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो क्लियर होगी। 3 मिनट के बाद मे बी अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो फिर आज के लिए ये ऑफ ही होगा। सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है वो हमारे सेल में नहीं होती। कौन कौन से सेल में होती है, प्लांट के सेल में, फंजाई के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, अल्जी के सेल में, और ये नॉन लिविंग है, सीक्रेटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल है, ये सेल जैसे ही बनता है तो सेल बनने के बाद, डिवाइड होने के बाद, अपने बाहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके सेल वॉल सीक्रेट करता है, तो ये सेल के बाद मौजूद प्रोड्यूस होने वाली चीज है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीक्रेटेड प्रोडक्ट कहते हैं, एंड मेंटेन्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें मटेरियल जो है वो ऐड करता जाता है, कौन, प्रोटोप्लाज्म अपने अंदर से, तो इसलिए ये सीक्रेट भी प्रोटोप्लाज्म करता है, इसको मेंटेन भी वो करता है। चीफ कंपोनेंट प्लांट के सेल में जो चीफ कंपोनेंट है सेल वॉल का वो सेल्यूलोज है, उसके अलावा इसमें पेक्टिन भी होता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि गैलेक्टोज वगैरह का बना हुआ होता है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर होते हैं, सेल वॉल में 3 लेयर होते हैं, एक मिडिल लेमिला, एक प्राइमरी वॉल और एक सेकेंडरी वॉल। अब देखें ये 3 सेल हैं, ये 3 क्या हैं, सेल हैं, यानी ये एक सेल,
अभी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, उसकी सेल वॉल नहीं बनाई, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। अब इन सेल्स के दरमियान, मैं इसका कलर चेंज करूं एक मिनट, अब अगर इन सेल्स के दरमियान कोई एक ऐसी मेम्ब्रेन मौजूद है, देखें, जो कि किसी एक सेल के लिए नहीं है, ये मेम्ब्रेन ऐसी है जो कि इस सेल की भी है, इस सेल की भी है, ये इस सेल की भी है और इस सेल की भी है, इस मेम्ब्रेन को आप कहते हो मिडिल लेमिला। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, मिडिल लेमिला कहते हैं। दिस इज व्हाट मिडिल लेमिला। सो मिडिल लेमिला सबसे पहले बनने वाली सेल वॉल का लेयर है, जो कि जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो उस वक्त उनके पास ये मौजूद होती है। एंड दिस इज इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन बिटवीन और अमंग द एडजेसेंट सेल्स। यहां भी देखें आप, येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से है, जिस तरह दो रूम्स हैं, ये दो कमरे हैं, अब ये एक रूम है और इस तरह से ये दूसरा रूम है, तो ये जो दरमियान वाली दीवार है वो इस रूम की भी है और इस रूम की भी है, तो मिडिल लेमिला की मिसाल इस तरह से है। मिडिल लेमिला के बाद हर सेल अपने अपने बाहर फिर क्या करता है, एक और मेम्ब्रेन सीक्रेट करना शुरू करता है, जो कि कहां पर होगी, ये सेल इधर सीक्रेट करेगा और ये वाला सेल इधर सीक्रेट करेगा और ये वाला सेल इधर सीक्रेट करेगा।